रायगढ़ की मोनिका इजारदार। क्या लगा था आपको मोनिका जी, बस यूं ही घर से निकलोगी और बदल दोगी सदियों पुरानी सोच? ट्रैवल एरिया में जब जाए तो वहाँ पे लोग पीने वाले ज्यादा मिलते थे। कोई महिला अगर जा रही है और शाम का वक्त है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। क्या लगा था आपको कि कोई तीखी बातें नहीं कहेगा? क्या लगा था आपको खुले में शौच के दौरान हो रही अनहोनियों को चुटकियों में रोक दोगी? पर इन्होंने तो किया था प्रण, चाहे जो हो जीतना है ये रण। फिर क्या, कोशिशें जीती मुश्किलें हारी। गांव में जब महिलाएं जो बाहर खुले पे जाती थी, आज वो बाहर खुले पे जाना बंद हो चुका है। पहले जो गांव पे गंदगी हो रही थी कम हो गई है, मच्छर मक्खी तक कम हो गए हैं। सत्याग्रहियों ने जीती थी आजादी की लड़ाई और स्वच्छाग्रह की छत्तीसगढ़ की मोनिका इजारदार ने, क्योंकि इन्होंने कराया है अपने गांव को गंदगी से मुक्त। धन्यवाद मोनिका जी स्वच्छाग्रह के लिए।